अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी रेसिपीज। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है हॉट एंड स्पाइसी बीफ टिक्का बोटी, जो कि बहुत मज़ेदार होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हॉट एंड स्पाइसी बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1/2 kg मैंने यहाँ पे बीफ लिया है, उसको मैंने यूँ छोटा छोटा काट लिया है। 1 teaspoon मैंने नमक लिया है, 1/2 teaspoon पेपरिका पाउडर, 1 teaspoon लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1 pinch काला नमक, 1 pinch अजवाइन और कुकिंग ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे 1 tablespoon। तो बीफ को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये टिक्का बोटी बहुत ही मज़ेदार होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो व्यूअर्स, आधा घंटा हो गया है, अब एक पैन में मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब जो हमारा बीफ था, जो छोटा छोटा काटा था, इसमें ट्रांसफर कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे। तो व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं, टिक्का बोटी चेक कर लेते हैं। तो रेडी है हमारी टिक्का बोटी, अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, हमारी टिक्का बोटी बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।